नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुकी है? अभी पिछले एक हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो तो ऐसा ही कुछ संकेत दे रहा है कि शायद दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ चुकी है और शायद हमें तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही अभी चल रहा है। आप ऐसा समझिए कि जैसे मूवी के अंदर एक हीरो और विलन कि जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो लड़ाई स्टार्ट होने से पहले वो डायलॉग एक्सचेंज करते हैं, वो एक दूसरे को धमकी देते हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, वो उनको मार देंगे, ऐसा कुछ होता है, फिर उसके बाद वो अपनी लड़ाई करते हैं। वर्ल्ड में, दुनिया में बिल्कुल वैसा ही अभी हो रहा है। आइए आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं और पूरी न्यूज़ विस्तार से समझाता हूँ कि है क्या। दरअसल दोस्तों, अभी 1 अप्रैल को इसराइल ने एक मिसाइल से अटैक किया सीरिया की राजधानी दमस्कस में, दमस्कस सिटी जो है वहाँ पे एक अटैक कर दिया। और ये जो मिसाइल से अटैक किया वो जगह ईरानी दूतावास था, उनका कॉन्सुलेट था, और उस कॉन्सुलेट में उनके 7 लोग मार दिए गए। और ये जो 7 लोग मारे गए हैं ये कुर्दिश लड़ाके थे, कुर्दिश फोर्स जो ईरान की, वो उसके मेंबर थे और उसके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते थे उसमें। अब ये वो फोर्स होती है जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, इनका ऑर्डर भी उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं चलता है। ईरान के जो सबसे बड़े लीडर हैं खुमैनी, वो उनका ऑर्डर मानते थे, जो कुर्दिश लड़ाके हैं ये इनका ऑर्डर ही मानते, खुमैनी का, राष्ट्रपति का भी नहीं मानते। तो ये सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए, और ईरान ने इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है इसराइल को। हालांकि इसराइल की सरकार ने इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला है। उनके एक सेना के पर्सन हैं, उन्होंने ज़रूर इस पर एक रिएक्शन दिया है कि ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये कोई वॉर नहीं है, ये एक आतंकवादियों के ऊपर एक अटैक किया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ऐसा इसराइल के उन कमांडर का कहना है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि उन्होंने तो अपनी बात बोल दी। अच्छा, ये बात बोली क्यों? क्योंकि इसराइल ईरान के इन कुर्दिश जो लड़ाके हैं इनको ये आतंकवादी मानता है, तो उसका यह कहना है कि एक आतंकवादियों के ऊपर एक अटैक है, वो मार दिए गए। बात यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती, अब बात स्टार्ट होती ईरान की तरफ से, क्योंकि अब ईरान के लिए ये एक प्रेस्टिज यानी कि बड़ी नाक कटने वाली बात अगर बोलें तो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी दुनिया में भी फेस करनी पड़ रही कि बताओ कोई उनके लोगों को मार कर चले गए। तो उसने सीधे से एक वार्निंग जारी कर दी इसराइल को और ये बोला कि हम आपसे इसका बदला लेंगे। साथ ही साथ एक धमकी दी अमेरिका को भी, अमेरिका को ये धमकी दी कि हम ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे लेकिन आप बीच में मत आना, क्योंकि अगर आप बीच में आए तो ये जो वॉर है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको, ऐसा धमकी दी है ईरान ने अमेरिका को। जब ईरान तो मिडिल ईस्ट में है और अमेरिका तो बहुत दूर है, तो क्या ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है भी कि ये उसको हिट भी कर सकें अमेरिका को? क्या इनके पास ऐसी मिसाइल हैं? तो आपको दोस्तों बताता हूँ, ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को ये हिट कर सकें। हाँ, लेकिन ये अमेरिका को नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं। अमेरिका को ये नुकसान ऐसे पहुँचा सकते हैं कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेस हैं, ये दुनिया के सभी कंट्रियों में लगभग हैं, मोस्टली कंट्रियों के अंदर हैं। तो ये ईरान के लिए बड़ा ही सिंपल होगा कि ये उनके किसी दूतावास को हिट कर दें, सॉरी दूतावास को तो ये हिट नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत ईरान वाले नहीं दिखाएंगे, हाँ लेकिन उनके कहीं जो बेस बने हुए हैं वो उनको ज़रूर हिट कर सकते हैं, वहाँ पर मिसाइल दाग सकते हैं। और इतनी ज़्यादा फोर्स या सुरक्षा तो अमेरिका अपने हर एक देश में कर नहीं सकता है कि जहाँ पे उसके बेसेस हैं वहाँ पे ये उतनी सिक्योरिटी दे दें जितना अमेरिका देश अपने यहाँ देता है। इसलिए अमेरिकन भी डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं कि यार कुछ भी हो सकता है। अब इसका तुरंत एक जवाब इसराइल की तरफ से भी आया ईरान के लिए कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो आप ये समझ लो कि
आपकी नस्लें याद करेंगी जो हमारी तरफ से जवाब आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसराइल ने भी इसको बहुत सीरियस लिया है। पहली चीज़ तो उसने अपने पूरे देश को अलर्ट पर डाल दिया, और दूसरी चीज़ उसके 28 दूतावासों को उसने क्लोज कर दिया कि वहाँ पे ईरान अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान के कॉन्सुलेट पे इसराइल ने अटैक किया है तो ईरान भी कर सकता है इनके दूतावासों में अटैक। तो इसलिए इसराइल ने तो बहुत ही सीरियस लिया है। जितना सीरियस इसराइल ने लिया है इतना ही सीरियस अमेरिका ने भी लिया है, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया है कि कुछ भी हो सकता है, तो जंग होगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि मुझे जो लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ईरान इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं कि ये कहीं से भी अमेरिका को हिट कर दे। इतनी बड़ी ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी दूतावास को अगर हिट कर दिया गलती से भी अमेरिका के, तो जब ये अटैक करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि इन्होंने अटैक अमेरिका के ऊपर कर दिया है। और अमेरिका के ऊपर जैसे ही अटैक होगा ऐसे ही नाटो का जो क्लॉज 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब नाटो का क्लॉज 5 एक्टिवेट हो जाएगा इट मीन्स कि जितने भी नाटो कंट्री हैं, जो भी नाटो के सदस्य देश हैं, वो सब एक साथ अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। तो ईरान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि 27-28 जो देश हैं नाटो के जो मेंबर हैं वो सब एक साथ अटैक करेंगे और ईरान उसको सह पाएगा, ऐसा नहीं कर सकता ईरान। तो इतनी बड़ी ये गलती करेंगे नहीं। और ये गलती ये ज़रूर है कि ये इसराइल को ये हिट करना चाहेंगे, इसीलिए इनको एक चीज़ और भी मालूम है कि इसराइल पे अगर इन्होंने अटैक किया तो अमेरिका अटैक ज़रूर करेगा, सपोर्ट ज़रूर करेगा इसराइल को, क्योंकि इसराइल एक तरह से माउथ पीस है अमेरिका का। इसराइल जो भी अटैक करता है, इसराइल को हथियार देता कौन है? देता तो अमेरिका ही है, अमेरिका ही बेचता है इसराइल को। अमेरिका पहले डोनेशन के रूप में कुछ पैसे देता है इसराइल को, फिर इसराइल उसी पैसे से हथियार खरीद लेता है अमेरिका से, मतलब किसी तरीके से हथियार पहुंच जाते हैं। अब ये समझ लीजिए पिछले 6 महीने से इसराइल हमास का युद्ध जो चल रहा है, सारा गोला बारूद कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से ही आ रहा है। टेक्नोलॉजी ज़रूर है इसराइल के पास, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अमेरिका से भी आगे निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का पूरा बैकअप रहेगा इसराइल को। ईरान भी ऐसी गलती करेगा नहीं, अगर लेकिन कर दी, अगर गलती कर दी तो पूरे नाटो देश पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देंगे। ये समझ लीजिए कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। इसका सबसे बड़ा परिणाम तो कई देश इन्वॉल्व हो जाएंगे लड़ाई में, ये तो दुखद ही है। दूसरी तरफ महंगाई एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि तुरंत कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। ईरान कच्चे तेल की सप्लाई भी करता है, भले उसके ऊपर सैंक्शन है लेकिन वो सप्लाई करता है, और मिडिल ईस्ट का रास्ता रुक जाएगा पूरा, जो जिस रास्ते से बिजनेस होता है वो पूरा रुक जाएगा। अगर वो रुका तो सप्लाई रुकी, और सप्लाई जैसे ही कच्चे तेल की रुकेगी महंगाई बढ़ जाएगी, और इस महंगाई का पूरे देश, सिर्फ एक देश पर नहीं पूरे वर्ल्ड पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो शायद किसी से सहा नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, हर एक चीज़ उससे जुड़ी हुई है। महंगाई बढ़ेगी तो सोचिए नौकरी भी जाएगी, लोग सुसाइड करने लगेंगे। जो लोग लोन ले रखा होगा वो ईएमआई तक नहीं पे कर पा रहे होंगे क्योंकि वो जॉबलेस हो चुके होंगे। ये तो बहुत दूर की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहला तो हिट वहीं से पड़ जाएगा, जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा हुआ उसकी सप्लाई रुकी, जैसा वो महंगा हुआ हर एक देश में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई है। एक स्थान से दूसरे स्थान सामान जाता है उसके रेट बढ़ेंगे, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम तो प्रे यही करेंगे कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई झगड़ा ना हो, ईरान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और वो किसी भी तरह से अटैक ना करे। बातचीत से अगर चीज़ सुधर जाती है तो बहुत अच्छी है। हालाँकि अमेरिका ने इसके प्रयास शुरू कर दिए हैं, उसने कतर और इजिप्ट जो दो देश हैं इनसे बात करी है कि इसराइल और ईरान के बीच में समझौता करवा दीजिए, ताकि ये दोनों अगर समझौता कर लेते हैं तो अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा और तबाही से काफ़ी लोग बच जाएंगे। दोस्तों अब इस पर अपडेटेड न्यूज आएगी बिल्कुल, क्योंकि CIA जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, इसने भी बता दिया है कि ईरान 48 घंटे के अंदर इसराइल पर अटैक करेगा। ये उनकी एक स्टेटमेंट है।
अब देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ये तो भविष्य में ही पता लगेगा कि क्या होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा। लेकिन हम तो प्रे यही करेंगे कि ऐसा ना हो। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि अभी ऐसी कोई लड़ाई हो, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और उनके यहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हालांकि सिक्योरिटी उनके यहाँ मुद्दा है भी, और दूसरी चीज़ अमेरिका के ऊपर अभी जो बाइडेन सरकार है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि हमास युद्ध में जो इन्होंने गोला बारूद सप्लाई करे हैं उससे बहुत मासूमों की भी जान गई है, क्योंकि इसराइल ने उन गोला बारूदों को गाज़ा में यूज किया और गाज़ा में जो आतंकवादी मारे गए वो तो मरे ही मरे, उनके साथ बहुत से मासूम बच्चे भी मर गए जिनका कोई दोष नहीं था। इसराइल का कहना ये है कि हमने तो बस एक टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है, इसलिए कुछ कोलेट्रल नुकसान हो गया वहाँ पे लोगों का, इसराइल का इतना कहना है। लेकिन अमेरिका को तो जवाब देना पड़ेगा, अमेरिका एक जिम्मेदार देश है कि ऐसा क्यों, उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर है। तो दोस्तों इस पे कोई अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।